स्वामी सत्संग घर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया जा रहा है। इस अवसर पर इंद्री हलके के विभिन्न गांवों से आए 720 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर पंकज ने बताया कि आज राजा स्वामी सत्संग घर में दूसरा कोरोना वैक्सीन शिविर है और आज 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा, अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ गया है। उन्होंने कहा, पहले लोगों में इस वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैली थी, लेकिन अब वो दूर हो गई है। डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि मौजूदा समय में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की सहयोग से काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमें अभी भी परहेज करने की जरूरत है और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने से ही कोरोना पर काबू पाया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। जी सर, आज राधा स्वामी सत्संग भवन में वैक्सीन का कैंप लगाया, क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से SMO इंद्री डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी की अध्यक्षता में आज हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप है जिसमें 18 से 44 साल के सभी व्यक्तियों को कोवैक्सीन की जो टीका है वो लगाया जा रहा है और सभी में काफ़ी देखने में उत्साह दिख रहा है काफ़ी। और क्योंकि कुछ पहले काफ़ी लोगों की डिमांड्स आती थी जी अलग अलग जगह भी, क्योंकि धार्मिक जो संगठन है और समाज सेवी संगठन है इनकी तरफ से काफ़ी सहयोग मिलता है, तो हमने इसीलिए स्पेशली यहाँ लगाया है कैंप को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो एक्टिव केस कितने हैं इंद्री हलके में, क्या हालात हैं आज के, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, एक्टिव केसेस की बात करें काफ़ी कम हो गया है उस हिसाब से, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने और अन्य विभागों ने मिल के कार्य किया है, प्रशासन की जो हमें हर तरफ से सहयोग मिला है और लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ी है, इसके कारण हमने जल्दी ही कोरोना जैसी बीमारी पे एक तरह इस जो दूसरी लहर आई थी इस पर काबू पा लिया है। लेकिन क्योंकि ये कभी भी राइज कर सकते हैं, तो मैं लोगों से ये भी अपील करूँगा कि अभी जल्दी में किसी तरह के गलत तरह का के आदतें ना अपनाएं। अभी भी हमें जागरूक रहना है, मास्क पहन कर रखिए, भीड़भाड़ से बचिए, क्योंकि कभी भी केसेस बढ़ जाते हैं इसमें, तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रही है, वैक्सीन अभियान हमारा चल रहा है, जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतने ही इस बीमारी पे काबू पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कौन सा कैंप है यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग भवन में? देखिए, आज 18 से 44 साल के व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, मतलब उन्हें पहले से अपनी सीट कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो आए पात्र हैं जो 18 से 44 साल तक के सभी व्यक्तियों को आराम से टीका आने के बाद भी लग सकता है, चाहे वह डोज वन है या किसी ने पहले भी कोवैक्सीन की डोज वन ली हुई है, वो डोज टू भी लगा सकता है। तो जैसे पहले भय था लोगों में, तो अब क्या हालात हैं जैसे दूसरी डोज लगनी है अभी? देखिए, भय तो शुरू में जो भ्रांतियाँ थी वो क्लियर हो गई हैं, जैसे ही कोरोना ने महामारी ने पाँव दोबारा से पसारे थे, तो अप्रैल के आखिर में और मई में थोड़े केसेस बढ़ गए थे, उनको देखते हुए और जिन्होंने वैक्सीन ली हुई थी उनका जो स्वास्थ्य ठीक रहा उस हिसाब से अगर हम देखें, तो अपने आप में ही क्लियर हो गया है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जीवन बचाने वाली है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, किसी तरह की भ्रांति में ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन अपना वैक्सीनेशन कराएं, ताकि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रहें। तो आज जैसे गर्मी है, तो क्या संदेश देंगे इस बारे में भी, क्या खान पान रखे लोग? बिल्कुल, देखिए जैसे अब गर्मी का सीज़न काफ़ी बढ़ गया है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, शरीर को हाइड्रेट रखें पानी और अन्य तरह पदार्थों से, साथ ही हल्की एक्सरसाइज योगा ये करते रहें, खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लें, एक संपूर्ण आहार लें जिसमें सभी तरह के हमारे जो पोषक तत्व हैं वो भी शामिल होने चाहिए, किसी भी तरह के कोई भी बुखार खांसी जुकाम या गला खराब की कोई शिकायत है तो साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने आप को चेक कराएं, जो भी पात्र हैं वो जल्दी से जल्दी अपने वैक्सीनेशन का कार्य पूरा करा लें, दोनों डोज होने के बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति की सुरक्षा हो जाती है। तो राधा स्वामी सत्संग भवन की बात की है, किस तरह का कोऑपरेशन है इनका? देखिए, बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेशन मिल रहा है,
एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हमारी बात पहुंच जाती है, हमारी जो टीम्स हैं वो दुगने उत्साह से और दुगनी ताकत से कार्य करती हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है वो अपने आप में ही पात्र है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डेरा समिति का और सभी जो भी हमारे जितने भी साथ में जो कार्य कर रहे हैं इनका, कि जिस तरह से हम लोगों का जो कार्य है वो और आसान है और इससे हमें भी हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे साथ जो समाज सेवी संगठन है वो भी खड़े हैं साथ में और कोरोना जैसी महामारी से हम ऐसे ही निपट सकते हैं सभी के साथ से, तभी हमारा जो कोरोना से लड़ने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।